हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यमी सी हलवाई स्टाइल कद्दू की सीताफल की सब्जी और उसके साथ पूरी। मैं आपको यहाँ बता दूं, ये मैंने लिया है पीला वाला कद्दू। जो बिगनर्स हैं उनको बताने के लिए मैं बता रही हूं कि सबसे पहले हम इसके ये सीड्स निकाल लेते हैं और इसको, ये जो छिलका है इसका, इसको भी ऐसे आसानी से कट हो जाता है, इसको निकाल लेते हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और फिर ही हम यूज कर रहे हैं, तो ये फिर इसके छोटे छोटे पीसेस टाइप से आसानी से हम कर लेते हैं। तो आई थिंक जो भी बिगनर्स हैं उनको ये समझ आ गया होगा किस तरह का ये होता है, यानी इसका इस तरह का छिलका होता है और कलर में ये पीला है। सफेद कद्दू की भी सब्जी हम बनाते हैं, तो ये हमारे इतना आधा किलो हमने लिया है, उसमें ये इतना वेस्ट निकल गया है, इसके बीज हैं प्लस इसके छिलके हैं, तो हमारे पास ये बचा है। और वैसे भी कद्दू बनके थोड़ा सा हो जाता है, तो पहले आप आधा किलो से ट्राई कीजिए, अच्छे से वॉश करना है। कोशिश कीजिए आप वहां से बाहर से साबुत कद्दू लाएं, अगर कटा हुआ ला रहे हैं तो उसको चारों तरफ से पहले काट के वो पार्ट निकाल दें और फिर अच्छे से यूज कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक हैवी बॉटम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें मैं ये आधा चम्मच मेथी डाल रही हूं। मेथी के दानों को हम हल्का सा भूनेंगे, इसको ज्यादा ब्लैक नहीं करना है, और ये कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग, 2 पिंच हींग, और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये कद्दू। इसको सब्जी में अच्छे से मिक्स, और मेथी के दानों की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। मैं नीचे इंग्रेडिएंट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से इसको देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। हलवाई स्टाइल सब्जी बनने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इस तरह से हमने इसको अच्छे से भूनना है, 1 मिनट के करीब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, और इसमें आप डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। और इसको अब हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे अच्छे से। इसी में साथ साथ डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और बाकी जो मसाले मैं डालूंगी वो मैं आपको जैसे जैसे सब्जी बनती जाएगी बताती जाऊंगी। जब आपको एक ही बार देखने हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, क्योंकि मैं कद्दू और पूरी बना रही हूं तो इसमें टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं इंग्रेडिएंट्स में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं। ये देखिए गलना शुरू हो गई है सब्जी, ये देख सकते हैं आप, लेकिन हमें और इसे गलाना है क्योंकि हम थोड़ा मैशी बनाएंगे। जो हलवाई स्टाइल बनती है ना सब्जी, वो थोड़ा घुटी हुई बनती है, तो हम उस तरह की बनाएंगे, इसलिए अब हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो ये बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें पानी डला है, ये लगने वाली नहीं है, और बहुत आसान है ना, आपको प्याज काटना है ना टमाटर का पेस्ट कुछ बनाना है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जब तक ये बनती है तब तक हम लगाते हैं आटा, पूरी का आटा। ये लिए है मैंने 1.5 कप आटा, और इसमें डाल रही हूं मैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कितनी पूरी इसमें बन जाती हैं। तो ये हम यूज कर रहे हैं इसमें ऑयल मोइन के लिए, आप घी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें पहले 2 टेबलस्पून डाल रही हूं, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स हाथ से। अच्छे से सारा मिक्स करेंगे हम इसको, दोनों हाथ से लेके हम ऐसे इसको मस लेंगे ताकि जो इसमें ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दोनों हाथ से हमें ऐसे मसलना है पूरी का आटा। ये देखिए फिर धीरे धीरे क्या होगा,
कि इस टाइप से थोड़ी सी मुट्ठी बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप मसलेंगे नहीं, वैसे ही आप देखेंगे तो वो ऑयल क्या है, अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को लगाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि हमें इसे टाइट डो लगाना है। इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए करेंगे, चारों तरफ से इकट्ठा करते रहेंगे। और बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, अगर आप शुरू में आटा लगाते हैं और आपका आटा चारों तरफ चिपक जाता है, आपको मुश्किल होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई लें और उसके अंदर लगाएं। तो जो भी शुरू में आटा लगाते हैं तो उनका आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ये टिप है। ऐसे करते हुए हम सारा इकट्ठा करके गूंथ लेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से हमने इकट्ठा करके कितने अच्छे से आटे को गूंथ लिया है, और ये टाइट है, थोड़ा टाइट आटा है। इसको दोनों हाथ से हमने ऐसे कस के ऐसे बार बार अच्छे से गूंथा है। ये नहीं कि आप एक बार मिक्स करके रख देंगे, इसको बहुत अच्छे से गूंथिए। ये देखिए, इतना स्मूथ ये हो जाना चाहिए। इसके ऊपर लगाएंगे हम हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और इसको ढककर रख देंगे। ये है आटे का टाइट, इतना है ये देखिए। तो इसको ढककर रख देते हैं। आटा जब तक तैयार हो रहा है, ढककर हमने रख दिया है। ये बनाया है हमने एक हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का पेस्ट, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको हम ऐसे डाल देंगे और इसको भी भूनेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी समय डालेंगे हम इसमें एक बड़ा चम्मच धनिया और आधा चम्मच किचन किंग मसाला, ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, गलना शुरू हो गया है। देखिए, अच्छे से गलना शुरू हो गया है। देखिए आप, ये देखिए बहुत अच्छे से। तो हम इसके ऐसे पीसेस भी ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे इसको मैश कर सकते हैं। इसी समय हम डालेंगे इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, इसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। अगर आपको पेठा बनाते समय उसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो फिर आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, बट वो अच्छे से मैश होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा पानी, तब तक ये और थोड़ा गल जाएगा और इसको अच्छा मैशी होने तक पकाते हैं। ये देखिए, काफी मैश होना शुरू हो गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें ये गुड़। गुड़ आप अपनी मर्जी से टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि गुड़ को हेल्दी हम लोग बोलते हैं तो मैंने यहाँ पे गुड़ प्रेफर किया है। और लास्ट में मैं इसमें अमचूर और गरम मसाला डालूंगी, तो यानी ये कुछ खट्टा मीठा बढ़िया वाला पेठा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए, अब ये हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही अमचूर पाउडर, जिससे आपका ये खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। गलने के बाद आपको अमचूर पाउडर ये सब डालना है। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें धनिया, और ये हमारी यमी सी लगने वाली सब्जी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए, गैस को कर देंगे ऑफ, इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, दो लोगों के लिए सफिशियंट है, दो से तीन लोग, अगर दो सब्जी हैं तो तीन लोग भी ले सकते हैं, अगर एक ही सब्जी है तो आप दो लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार है। और अगर हाँ, सब्जी आप कम खाते हैं तो तीन से चार खा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि सब्जी जो है वो ज्यादा है और हम दो लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो आधा किलो कद्दू है, उसके हिसाब से आप अपनी डाइट के हिसाब से यूज कर सकते। आई थिंक कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये आप बनाते हैं पूरियां। तो ये आटा चेक कर लेते हैं, आटा बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है। अब हम इसको निकाल के एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। हमने इसको अच्छे से मसल लिया है और ये बहुत अच्छा स्मूथ डो बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें से ये ऐसे करके लोइयां तोड़ेंगे। जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी है उतनी बड़ी आप लोइयां कट कर सकते हैं। इस टाइप से
हम इनकी लोई जो है वो कट कर लेंगे। मैं यहां आपको पहले इतने का ही बता रही हूं। इसको हम ऐसे करके अच्छे से गोल ऐसे करेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहें। तो ऐसे हम बनाते हैं सारी ये लोइयां। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको बेलेंगे। जब आटा अच्छे से लगा होगा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ना मोटी ना पतली हमें ये पूरियां बेलनी है। ये देखिए एक परफेक्ट साइज है। और आप इसको सूखा आटा लगाकर नहीं बेलें, नहीं तो सारा ऑयल जो है वो खराब हो जाता है। आटा इस टाइप से लगाएं कि आपको सूखा आटा लगाना ना पड़े। तो इसी तरह से हम और दूसरी भी बेल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, उसको चारों तरफ से बढ़ाते हुए, किनारे और बीच का जो है इक्वल होना चाहिए, कहीं से पतला कहीं से मोटा ऐसा ना हो। तो अब इनको डीप फ्राई करते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूरी डाल देंगे। ध्यान रखना है कि तेल को अच्छा गर्म होने देना है, तभी आपकी पूरी जो है वो बढ़िया बनेंगी, फूली फूली बनेंगी। ये देखिए ऐसे पलटे से करते हुए हम इसको चारों तरफ से सेक लेंगे और ये फूली फूली पूरियां जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही हम दूसरी पूरी भी डालेंगे। ये क्रिस्पी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं, दूसरी पूरी को डाल देते हैं। आपको कितना क्रिस्पी रखना है ये आप अपने हिसाब से करिए। अगर आप सॉफ्ट खाते हैं तो सॉफ्ट पूरी बना सकते हैं। और जैसे हमारी ये ट्रेडिशनल पूरियां बनती हैं, मैंने उसी स्टाइल से इनको बनाया है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो जा रही हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि तेल अच्छे से गर्म हो। अगर आपको बहुत क्रिस्पी नहीं खानी तो आप इस स्टेज पर इसको निकाल सकते हैं। तो ये बन रही है ना फूली फूली पूरियां, तो इस टाइप से आप सारी पूरियां बना लेंगे। ये देखिए परफेक्ट। इस पूरी को हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी फूली फूली पूरी। तो ऐसे ही हम सारी पूरियां तल लेते हैं। और ये देखिए हमारी ये पेठा पूरी की सब्जी बनकर तैयार है। आप अगर लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ये ब्रंच हो जाता है और लंच में भी बहुत अच्छी रहती है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये पूरियां जो है सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम इसमें सूजी वगैरह नहीं डाल रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट पूरियां बनती हैं। तो सफर में ले जाने के लिए भी बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप कहीं ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी रहती हैं, टूटती नहीं है बाद में। थैंक यू सो मच। Thank you.